अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल इंदौर में आपका स्वागत है। जादू दिखाऊंगा भैया, जादू जादू देख लो ना भैया, जादू। नमस्कार, आई बस सेवा में आपका स्वागत है। भैया तीन उथल पोहे लगाना जरा। कृपया ध्यान दीजिए, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, जबलपुर होती हुई इंदौर से चलकर बिलासपुर को जाने वाली 1-8-2-3-3। भैया और सीखा। स्थानीय इंदौर ना सिर्फ केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। भारत के इस खूबसूरत शहर में आपको ऐतिहासिक धरोहरें तो देखने को मिलेंगी ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप खाने के दीवाने हैं तो इंदौर से बेहतरीन खाना शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इंदौर शहर के सफर पे हमारे साथ, और वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या रहेगा। और खजराना मंदिर। खजराना मंदिर हिंदू देवता श्री गणेश जी को समर्पित है और इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पे कोई इच्छा मांगे तो भगवान उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं, और खासकर बुधवार और रविवार को तो आपको यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खजराना मंदिर को अपने विश लिस्ट में जरूर डालें। दूसरी जगह जिसे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवरपन दुकान यहाँ के जायके का लुत्फ उठाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, और इसे हम इंदौर का दिल भी कह सकते हैं। सुबह 6 बजे से खुलने वाली ये दुकानें आपको शाम के 10 बजे तक खुली मिलेंगी, और यहाँ पे आप हर तरीके के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप हैं एक स्ट्रीट फूड लवर तो आप यहाँ पे बहुत से व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि चाट, पापड़ी, खमन, ढोकला और इत्यादि। इंदौर के सफर में कवर कर सकते हैं वो है कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पहुँचने के लिए आप 56 से कैब या फिर ऑटो का सहारा ले सकते हैं। या इंदौर घूमने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि फर्स्ट डे आप यहाँ पे बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, जिसका किराया 500 से 1000 रुपये तक वेरी करेगा, और उसके साथ आप पूरे इंदौर को बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। इंदौर स्थित कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की सांपों की प्रजातियाँ, पंछियों की प्रजातियाँ, नील गाय और चिंकारा देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे दरियाई घड़ियाल और व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर को भी देख सकते हैं, जो यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों, अगर